इनको मार दी है और ये डब्बा पूरे से खुला रहेगा, इसको बंद नहीं करेंगे, हवा लगती रहेगी। ये रहा हमारी मेहनत का फल और ये बाकी पैसे अकाउंट में लगवा रहे हैं हमारे। सही है, ये तीन चूहे, ये मेहनत का फल ना। हमारे भाई सात भाई चूहे लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब में करें। अब भाई यार अब स्माइल नहीं करते यार, मतलब समझ नहीं आती, थोड़ा घुमा के दिखाएं चूहे अपने। अच्छा भाई ये वाला बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा खाया हुआ है, वो ट्रे के अंदर मोटा सा ये इससे पिछला, ये पोटा चेक करें फुल है, फटने वाला वो है ना माशाल्लाह। अच्छा यार नुमान भाई चूहे लेके जा चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ मियां शकील भाई हमारे पास आ चुके हैं और ये आए हैं मौजम भाई के रेफरेंस से, आसफ भाई आए हैं मौजम भाई के रेफरेंस से, राणा मौजम, जिनके पास पैरट बीक लॉन्ग टेल पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन ब्रीड पड़ी हुई है। और शकील भाई कितने बच्चे लेके जा रहे हैं? शोक जी। शोक करना है, पहले रखे हुए मुर्गे? नहीं पहले नहीं रखे, आप तो कैसे रखे हैं, ये मुझे कह रहे चूहे नहीं। हाँ मतलब रखे तो मैं ना, हाँ ये हुई ना, मैं कह लोग नीचे उनके मुर्गे रखे हैं, आप कह रहे हैं नहीं। शकील भाई अल्लाह का नाम ले, चूहे निकाले अपनी मर्जी के, जो निकाल लें आपने। मुझे ज्यादा था आसफ भाई एक्सपीरियंस वाले लग रहे हैं, आसफ भाई निकाले हैं। आसफ भाई परिंदे कैसे लगे मेरे वाहिद पैसे? बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला नसीब में करें। आसफ भाई ये वाला बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा खाया हुआ है, वो ट्रे के अंदर मोटा सा ये इससे पिछला, ये पोटा चेक करें फुल है, फटने वाला वो है ना माशाल्लाह, पूरा ब्लैडर बना हुआ है, मोटे मोटे। आसफ भाई देखें जिन्होंने पोटे फुल किए हैं ना वो वाले पकड़े हैं, ताकि वो जाके आपको खिलाने में प्रॉब्लम ना हो, मैं तो यहाँ पे संभाल लूंगा। आप देखें ये पोटा फुल है, इसका फुल पोटों वाले पकड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नोके मोटी हैं वो पकड़े हैं। ये शिकारी वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे फुल। अच्छा जी जब तक ये सिलेक्शन कर रहे हैं तब तक हम जरा अपना बाकी का काम देख लें। The next day. अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, रात को एक भाई आए थे और वो लेट नाइट आए थे, चूजे वगैरह दे के भेज दिए। लेट नाइट जो आएगा मैं माजरत कान पकड़ कर लूँगा, टाइम वगैरह का इशू होता है, भाई ने सोना भी होता है, अभी भी आंखें लाल हुई हैं सारी रात एडिटिंग वगैरह, सो नहीं पाया। सात भाई शॉप करने के लिए आए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भाई का नाम बिलाल भाई और सात भाई जोहर टाउन से आए हैं। चार बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, पहला शौक है, नया नया शौक है, पहले कभी नहीं किया। सही है, चार बच्चे ओके हो गए हैं आपके, कितने में हुए हैं? 30। अच्छा ये आपका है पहला शौक, सही है, तो आप आए हैं पहली बार मेरे पास और इनको बतौर एक बच्चा अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ, ताकि शौक इनका आगे बढ़े और चलता रहे। सही है, तो साथ भाई एक अपनी मर्जी का इसमें बच्चा निकाल लें, जो दिल करता है मेरी तरफ से तोहफा है आपको। ये पहले इनके साथ रेट तय किया है, सारा कुछ ओके करने के बाद उसके बाद इनको मैं कह रहा हूँ एक बच्चा मेरी तरफ से आपको गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, अब जो दिल करता है आपका निकाल लें, आपके सामने है सारा, देखते हैं कौन सा पकड़ते हैं। और हमारे पास आखिरी पांच बच्चे रह जाएंगे इसके बाद, लेकिन ये बिजी होंगे तो अगर किसी को चाहिए होंगे तो उसको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उसे मैं माफ़त कर लूंगा। अच्छा जब तक बच्चों की सिलेक्शन कर रहे हैं आपको बताते चले कि ये वाले कार्गो अभी तक नहीं हुए, पर ये बिगे हुए, इसको मांगना नहीं किसी ने, ये कार्गो हो जाने हैं, ये चले जाने हैं, गर्मी और टाइमिंग का इशू नहीं हो रहे। ये वाला इन्होंने सेलेक्ट किया बच्चा, अल्लाह ताला इनका नसीब में करें। ये देखें जी ये वाला बच्चा सेलेक्ट किया है, आपको कैसा लगा आपने लाजमी कॉमेंट्स करके बताना। साथ में परिंदे कैसे लगे? माशाल्लाह वैसे माड़ा कौन सा लगा इसमें से? आए एक और रिव्यू लिखते हैं, जरा देख के आते हैं परिंदे शिंदे, शोक करते हैं जाके परिंदों का। और शोर भाई शोर के लिए मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि शोर आपके सामने बहुत ज्यादा है, तो साथ में कौन सा अच्छा बर्ड लगा मेरा सबसे ज्यादा? मोल्टिंग चल रही है इस टाइम, वो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ना करो यार, हर कोई उसी के ऊपर आगे खड़ा होता है, हर कोई जो आता है ना, हालांकि सबसे ज्यादा गंदी हालत में इस टाइम यही है अपना फायर बैग। अच्छा आपको इसके अंदर क्या पसंद आया फायर बैग में? किधर गए आप? फायर बैग में क्या पसंद आया आपको? उसकी लाली देख के तो नहीं पसंद करते, जो पूरा उसका गोश्त गोश्त मसल मस्कुलर बर्ड लग रहा है, गेम वाला लगता है आपको? मतलब क्या लगता है कि ये अगले को टक्कर देगा पूरी? टक्कर देगा? लेकिन ये आपके मुबारक कदम आए, तो हमें दो अंडे उठाए थे अभी हमने आगे, एक और अंडा आ गया इनके खड़े खड़े ही, इनके आने पे हमें तीन अंडे मिल गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें मतलब इनके खड़े खड़े हमने 30,000 की दिहाड़ी लगा ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी ये देखें साहब भाई आपके आने से तो बरकतें ही बढ़ी जा रही हैं यार माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बसे बचाए। ये अंडा भी नीचे भिजवाते हैं अभी और साहब भाई को भी रुख्सत करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होती है। हमारे भाई सात भाई चूहे लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब में करें। अब भाई यार अब स्माइल नहीं करते यार, मतलब समझ नहीं आती, थोड़ा घुमा के दिखाएं चूहे अपने माशाल्लाह से, स्माइल नहीं करते, क्या वजह? नाराजगी तो नहीं की हमसे? कोई हमारा बुरा तो नहीं लग गई हमारी बात आपको? आज भी इसी खुशी में आमिर भाई हमारे पास आए हैं। सात भाई कौन है?
भूल गए ले अपने बंदे भूल गए ले भाई काम हो गया काम अपने बंदे का नाम ही भूल गए हैं बाहर से पकड़ा था नहीं भाई को हैं राजा तो आजा यार क्या नाम क्या इनका गुलाम मुहिद्दीन अब नाम कैसे भूल गए समझ नहीं आई मुझे बस नाम लेकिन अल्लाह अच्छा 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 गर्मी की वजह से नाम भूल गए अच्छा ये निकले हैं रात को काफी सारे थे लेकिन अभी सिर्फ ये रह गए हैं पूरा बैच निकला था तो अभी ऊपर चलते हैं आपको शौक करवाता हूँ जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कूलर खाली हुए हैं हमारे पानी पूनी भरने वाला है आपकी ड्यूटी लगाते हैं साथ खुद भी मेहनत करते हैं मेरे ना आधे से ज्यादा काम जो सब्सक्राइबर आते हैं छुपे छुपे लेने वो ही कर देते हैं साथ में लगा लेता हूँ आओ भाई पानी बदलो और दाना डालो चूचों को इनको बंद कर लेते हैं मुर्गियां अंडे देने बैठी हुई है देखें एक अंडा ये आया हुआ माशाल्लाह ये देखें एक अंडा ये आया हुआ एक वो मादी बैठी हुई अंडा ये पट्ठे हैं दोनों अभी 6.5 महीने के हो गए 6-6 महीने के आए थे मेरे पास एक मादी वो अंडा देने बैठी हुई है देखें सही है आ जाए और दिखाता हूँ आपको एक मादी ये बैठी हुई अंडा देने के लिए ये किधर गई एक वो बैठी है हमें देख के उठ गई है कोने में वो भी उधर भी अंडा आता है रोज वीडियो में दिखाता हूँ मैं ये भी मादियां इधर बैठी हुई हैं दो कोने में जो बैठी हुई हैं ये अंडों के लिए वैसे नॉर्मली कूलर के आगे आके बैठती हैं ये दोस्तों आज गला खराब लग रहा है आपको भी लग रहा है हाँ जी गला भी अभी एकदम आपके आने की खुशी में शायद खराब हो गए हैं भैया बहुत अच्छी पार्टी यार लेकिन वो मोल्टिंग है बेड़ा करा हुआ पड़ा परिंदों का अभी देख रहे हैं अरे नहीं है पर मुर्गियों के चढ़ी पड़ी है इस टाइम देख रहे हैं तो मुझे यही लगता है कि यार जिसने ओरिजिनल नहीं ना देखे अभी तक उनको ये गंद लगता होगा मजा आया वाकई यार सीरियसली सही है यार अगर भाई को पसंद आ गए अच्छा कोई भी आता है मुझे यही होता है कि यार उस वो बंदे को पता नहीं परिंदे पसंद आएंगे नहीं आएंगे मोल्डिंग है ना वो होता है ना बंदे कई शोकियां मारते हैं कि हमारे जैसी क्वालिटी की मैं तो कहता नहीं भाई मेरे पास क्वालिटी है शोक किया हुआ है अल्लाह ताला ने बस लगाया हुआ है अरे लगाया हुआ है हम भी मस्तियों में लगे हुए हैं अच्छा आप भी शौकिया लेने आए हैं शौक ही है ना कारोबार तो नहीं है मैं आपको बताऊं टिकटॉक के ऊपर कोई अभी जितने जितने ब्रांड है कोई सेल फूल नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे वो जिन्होंने बिजनेस करना है वो नहीं ले रहे हैं कारोबार के लिए उनको पता है कि नुकसान हो सकता है शौकी मेरी आप एक महीने की पूरी डिटेल देखें मेरा ख्याल है कि पूरे साल के जितने चूजे बिके उतने इस महीने में बिके रिकॉर्ड टूट गए हैं सारे जा रहे हैं रोज आपके सामने 25-25-30-30 चूजे जा रहे हैं और सारे यकीन मानो अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए ऐसे नजर लग जाती है सरों के ऊपर हाथ रख के बैठ गए भाई ये कौन लेके जा रहे हैं इनसे चूजे अच्छा मेरे जितने भी चूजे जा रहे सारों की वीडियो का प्रूफ होता है इस तरह नहीं अगर डब्बे पैक किए म्यूजिक लगाया और वो खत्म कर दी वीडियो बंदे आते हैं लेते हैं पूरी बात होती है उनसे या फिर दूसरे शहर में रहते हैं पूरी बस तक कार्गो कराने जाते हैं वहाँ कार्गो के अंदर बस में रख के दिखाते हैं कभी कभी गर्मी ज्यादा होती है तो वीडियो बनाने का मूड नहीं होता नहीं बन रही होती वीडियो वगैरह परिंदा भी डिस्टर्ब हो रहा था हम भी हो रहे थे और मेरी आवाज का लग रहा है मेरा आज प्रैंक होने वाला है गला ज्यादा एकदम आपसे बात करते करते बैठ गया आपकी माशाल्लाह नसीबों ने पैर आपके खड़े खड़े अंडा आ गया वो देखे सामने आ रहा नजर आपके खड़े खड़े माशाल्लाह से अंडा आ गया और ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्रीड हो रही है इस मौसम के अंदर परिंदा ब्रीड नहीं करता मैं खुद हैरान हूँ मुझे नहीं पता कोई अल्लाह ताला को कौन सी मेरी नेकी ऐसी पसंद आ गई है कौन सी मेरी बात पसंद आ गई है मेरे पास दड़ादड़ ब्रीड आई जा रही है 10 से 15 अंडों की प्रोडक्शन हो जाती है 12 अंडों की प्रोडक्शन हो जाती है रोज चीज से कम नहीं होती है अभी आपके खड़े खड़े अंडे आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह ताला वो देखें एक अंडा वो पड़ा हुआ एक मदी वो बैठी है एक अंडा वो आ गया यहाँ पे वो दूसरी जा रही है बैठने के लिए वहाँ पे भी अंडा उंडा देना होगा बैठ के सेट करके वहाँ पे भाई जब तक अंदर सांस ले रहे हैं मैंने अंडे कलेक्ट कर लिए यहाँ से गर्मी है आपको पता है कि चल पड़ते हैं 2 घंटे तक गर्मी में अंडा पड़ा है खराब हो जाता है फिलहाल ये 3 अंडे नीचे भेज देते हैं बाकी जो है ना जैसे जैसे मुर्गियां दई जाएंगी भेजी जाएंगे सही है ना नहीं चले गए जी पानी शानी लग रहा है परिंदों को ये देखें माशाल्लाह से मैं कहा परिंदे थोड़े ठंडे हो लें गर्मी बहुत है और कूलर की हवा पड़ती है साथ साथ पानी लग जाता है तो परिंदे जो है चिल हो जाते हैं ये लें ले जी भाई का दंगल शुरू हो गया चूचे पकड़ने लगे हैं और ये पहला हाथ नहीं आया ओए 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 भाई पकड़ने लगा यार ये रहा हमारी मेहनत का फल और ये बाकी पैसे अकाउंट में लगवा रहे हैं हमारे सही है ये 3 चूजे ये मेहनत का फल रहा हमारी और बाकी पैसे भी हमारे अकाउंट में आ रहे हैं भाई पेमेंट आ गई है देखे अगले बंदे को हमारा काम है गाइड करना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे लेके कैसे जाना है
गाड़ी में आप कैसे आए हैं? बाइक पे। मैं इनको कह रहा हूँ कि आप विंड ड्राइव करवाएं, उसके ऊपर चले जाएं। गर्मी आपके सामने, शिद्दत गर्मी कैसी है, कूलर के आगे हम लोग बैठे हुए देखें पसीना आ रहा है। तो अब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ अगर ली है तो थोड़ा सा अगर चले जाएंगे फिर कोई इशू तो नहीं है, लेकिन अभी इनको रास्ता नहीं आता, रास्ता नहीं। तो क्या करें अभी? बाइक पे बहुत गर्मी है वैसे। चले आप फिर ना स्पार्क लेके जाना, और जाते साथ इनको स्पार्क आपने लाजमी प्लानिंग। भाई इजाजत है फिर, चलें। अल्लाह ताला आपके नसीब में करें। बहुत शुक्रिया आपका।